तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर इसमें तुम देखोगे तो ये क्या कहता है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। एन पोलराइजेशन का है, एन पोलराइजिंग सीट अरेंज करता है सच दैट 45 डिग्री विद द प्रीसीडिंग सीट, मतलब पहले वाले से 45 डिग्री पर सब रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं एन। अब कहता है अनपोलराइज इंटेंसिटी आई इंसिडेंट ऑन दिस अरेंजमेंट, देन आउटपुट इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 64। तो एन की वैल्यू मतलब कितनी सीट होगी जिसे इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 मिले। यार बात आ रहा समझ में? तो देखो अगर यहाँ से ये ऐसे लाइन से सारे रखे हुए हैं और यहाँ से ये पहला वाला है, ठीक है, तो पहला वाला ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, तो इससे 45 डिग्री पर, मतलब इससे 45 डिग्री पर, मतलब ये जो एंगल है 45 डिग्री पर, इससे ये दूसरा रखा हुआ है, ये पहला पोलराइजिंग सीट है, दूसरा वाला ऐसे रखा है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो अगर तीसरा वाला जो आएगा इससे 45 डिग्री पर, समझ रहे ना, तो इससे 45 डिग्री पर मतलब ऐसे, ठीक है ना, तो ये वाला जो दूसरे वाली की एक्सिस है ये वाली, इससे, तो इससे इससे 45 डिग्री घूमोगे इधर तो यही पे इसी लाइन पे आ जाओगे यार, और इससे 45 डिग्री पर घूमेंगे तो ऐसे ऐसे आएगा, फिर 45 डिग्री, फिर अगर 45 डिग्री देखोगे मेरे भाई तो ये सीट ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, फिर ये सीट ऐसे, एक्सिस ऐसे आ जाएगा, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, क्योंकि पहले यहाँ थी पोलराइज, एंड डॉट 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 एन सीट्स, ऐसे सीट्स रखे हुए पोलराइजिंग सीट्स, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कहीं पर कोई सीट है जिससे इंटेंसिटी जो आई नेट इंटेंसिटी आई नेट वो आई अपॉन 64 मिल रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी पड़ी थी ये वाली, समझ रहे हो, अनपोलराइज्ड, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, आई थी यार। तो अगर आप देखोगे यहाँ से बेसिकली बात करोगे तो यहाँ से फर्स्ट सीट से अगर कैलकुलेशन देखोगे तो फॉर लॉ ऑफ माइलस आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों के एक्सिस के बीच का एंगल, तो फर्स्ट से अगर देखोगे तो आई और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू यहाँ से तुम देखोगे, ये यहाँ से तो आई नॉट बाई 2 मिलेगी यार, समझ रहे ना, फर्स्ट से जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आई नॉट बाई 2 मिलेगी। एक मिनट, यहाँ से तुम देखोगे तुम ऐसे कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है, वैसे यहाँ से भी लेगा आई, इसका एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर का तो 1/2 है, तो आई नॉट बाई 2 ही मिला पहले से, समझ रहे, ये आई नॉट बाई 2, तो पहले से आई नॉट बाई 2 लिखा। अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूँ तो 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो दिस इज द आई नॉट 2 की पावर 1, और पहले से यहाँ पर मिला, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मिला दूसरे वाले से, तो आई दूसरे वाले से अगर देखोगे तो I2 की जो वैल्यू है, अब I1 cos² 45 माइनस लॉ लगा दो, और यहाँ से I1 की वैल्यू I0/2 है, और 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ I0/4, इसका मतलब ये भी हुआ I0/2 का स्क्वायर 2, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इंटेंसिटी मिल गई यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा, ये तीसरा पोलराइजिंग सीट है, तो यहाँ पर कितनी मिल रही है, तो इस वाले और इस वाले के बीच के एक्सिस का एंगल कितना, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो तीसरे वाले से एक और निकाल लेते हैं, तो तीसरे वाले से कैसे मिली, तो I2 और cos² 45 दोनों पोलराइज के सीट के बीच का एंगल, तो ये I0/4 पहले मिला था, और 1/√2 का स्क्वायर देखोगे तो ये आ जाएगा I0/8 आ जाएगा, I0/8 का I0/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो देख रहे हो, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ऑब्जर्वेशन में तो तुम्हें ये बात पता चल रहा होगा कि पहला वाला सीट से, पहले वाले सीट से I0/2 की पावर 1 मिला था, दूसरे वाले सीट से I0/2 की पावर 2 मिला था, तीसरे वाले सीट से I0/2 की पावर 3 मिला था। इस हिसाब से अगर nth सीट से अगर देखोगे, nth सीट से अगर देखोगे तो nth सीट से पूरा nth सीट से अगर तुम देखोगे तो इस nth सीट से तुम देखोगे तो इंटेंसिटी जो मिलेगी वो nth सीट से I/64 दिया हुआ है, ठीक है। इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ I/2 की पावर n सीट, n जो है नंबर ऑफ सीट है,
और मैं इसको लिख सकता हूँ, आई ने आई को काट दिया तो 2^n 64 को मैं लिख सकता हूँ 2^6, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है वो इतना टाइम्स देख रहे हो कम होती जा रही है, मतलब इन द सेंस कि तुम देखोगे कि एफ जीरो रोटेट करते भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है वो आई नॉट बाई टू है, समझ रहे ना। इसके बाद धीरे धीरे घटेगी, जीरो हो जाएगी, फिर आई नॉट टू और जीरो के बीच वेरी करती रहेगी, ठीक है। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी जीरो है, तो जो सीट है वो सिक्स है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।